अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर स्फेनोडोंटिया। ठीक है, ऑर्डर स्फेनोडोंटिया, ठीक है, या इसे हम अगर हम रैंकोसीफेला भी बोलते हैं, रैंकोसीफेलिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली रिप्टाइल्स की एक ऑर्डर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशीज़ पाया जाता है, जिसे हम स्फेनोडोंटिया पेंगटाटस भी बोलते हैं या फिर टाट्रा भी बोलते हैं, TUATRA। ठीक है, TARA, ठीक है, टाट्रा। तो स्टार्ट करते हैं इसको, और उससे पहले आपको पता है चैनल का नाम क्या है और समझ गए होंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो, ये जो ऑर्डर स्फेनोडोंटिया है, ठीक है, ये किस से बिलोंग करता है? ये लेपिडोसोर से बिलोंग करता है, सोरा या लेपिडोसोरिया से बिलोंग करता है। ठीक है, लेपिडोसोरिया की बात करें, ठीक है, मतलब ये कि हमने पढ़ा था उसके बारे में, यहाँ आई होप नज़र आ रहा होगा, हमने डायपोसीडा की बात की थी। ठीक है, हमने उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ठीक है, एक था आर्कियोसोरा, आर्कोसोरा या आर्कियोसोरा या सूरिया, ठीक है, आर्कियोसोरिया, ठीक है, और जो दूसरा था वो कौन सा था? यही लेपिडो सूरिया। तो इसको तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और उसके अलावा आज हम इस लेपिडोसोरिया को, मतलब उसकी एक उस कैटेगरीज के एनिमल्स की एक ऑर्डर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने कल बात की थी कि इसमें कौन आ जाते हैं, डायनासोर्स आ जाते हैं, ठीक है, डायनासोर्स आ जाते हैं, ठीक है, इसी तरह से बर्ड्स आ जाती हैं, ओके, इसी तरह से टेरासोर्स आ जाते हैं, ठीक है, टेरासोर्स आ जाती हैं, ठीक है, इसी तरह से क्रोकोडाइल आ जाती हैं इसमें, ठीक है, आर्डर क्रोकोडाइल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और ये जो लेपिडोसोरा है इसमें कौन से आ जाते हैं? ठीक है, यही आपके टॉट्रा, ठीक है, जो कि स्नेक लिजर्ड लाइक एनिमल्स होती हैं, ठीक है, और बज़ात खुद इसमें लिजर्ड्स आ जाती हैं, ओके, लिजर्ड के अलावा इसमें जो है ना स्नेक, उसको वो आ जाती हैं, ठीक है, स्नेक्स, ठीक है, और उसके अलावा वार्म लाइक लिजर्ड आ जाते हैं, वार्म लाइक लिजर्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लेपिडोसोरिया में ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आपको पता है कि लेपिडोसोरिया में दो ऑर्डर पाए जाते हैं मोस्टली, ठीक है, एक ऑर्डर होता है आपका यही ऑर्डर स्फेनोडोंटा, ठीक है, मैं यहाँ ऐसे मेंशन कर रहे थे, तो आई होप आप लोगों को यहाँ से नज़र आ रहा होगा, लेपिडोसोरिया, देखो मतलब दो ऑर्डर हैं। ठीक है, पहला ऑर्डर यही आपका ऑर्डर स्फेनोडोंटी है, ठीक है, स्फेनोडोंटी है, ठीक है, और दूसरी दूसरा जो ऑर्डर है वो कौन सा है? ऑर्डर सकमेटा। मोस्टली मतलब जितने भी मेंबर्स थे 2 मिलियन ईयर्स इगो, ठीक है, जब मतलब ये लेपिडोसोरिया आए थे, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइडली ये स्फेनोडोंटिया मतलब सेपरेट हो गया था, बहुत ज़्यादा फैल गया थे, लेकिन जब मास एक्सटेंशन हुई, मास एक्सटेंशन के नतीजे में इन दोनों मतलब ऑर्डर्स के चांद ही स्पीशीज़ बाकी बचे हैं, बाकी सारे के सारे क्या हो गए? डेड हो गए, मतलब चांद ही स्पीशीज़ रह गई थी, बाकी सारे की सारी डेड हो गई। ठीक है, और आपको पता है, ठीक है, कि जो मास एक्सटेंशन मतलब 60 मिलियन ईयर्स इगो, जो 65 मिलियन ईयर्स इगो, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, पहले मास एक्सटेंशन हुई थी, ठीक है, और वो मास एक्सटेंशन कौन से थी, हमने कल भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, कि मास एक्सटेंशन या केटी एक्सटेंशन भी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, केटी एक्सटेंशन भी इसको बोलते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे भी जाके विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये कि दोनों स्फेनोडोंटिया और ऑर्डर सकमेटा इस लेपिडोसोरिया में
आ जाती हैं, ठीक है। और अब हम ज़रा इस आर्डर स्फेनोडोंटिया को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक और बात है कि इनकी जो मतलब स्किन होती है, स्किन के ऊपर एपिडर्मल स्केल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आर्डर स्फेनोडोंटिया को, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ज़रा, आर्डर स्फेनोडोंटिया। देखो आर्डर स्फेनोडोंटिया में हमने अभी भी डिस्कस की है कि सिर्फ वन स्पीशीज़ है, ठीक है। वो स्पीशीज़ कौन सी है? वन ही स्पीशीज़ है जो कि स्फेनोडोंटिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्फेनोडोंटिया पंगटाटस, ठीक है। ये वो मतलब ये वो स्पीशीज़ पाई जाती है, ठीक है। एक ही सिंगल स्पीशीज़ है, या फिर हम इसको जो ना टॉट्रा भी बोलते हैं, ठीक है, टॉट्रा। और ये पाई कहाँ जाती है? सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ठीक है। चलो इसी से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ आप, ठीक है, कि ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। बाकी सारे के सारे जितने भी लैंड्स हैं, ठीक है, उन सब में ये क्या हो चुकी है? एक्सटेंक्ट हो चुकी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये ही मतलब इनके जो पेरेंट्स 2 मिलियन ईयर्स अगो थे, ठीक है, इनके मतलब इंसेस्टर, ठीक है, और अब के जो मतलब टॉट्रा हैं उनमें कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वो क्या है? सिमिलर है, कॉमन है, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, ठीक है। सिमिलर, इट इज़ सिमिलर टू देयर इंसेस्टर्स, ठीक है। 200 मिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो मतलब ये खुद हैं, ये किस से मिलते जुलते हैं? अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, अपने इंसेस्टर से मिलते जुलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनके स्कल की एक करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, ठीक है। इनके पास मतलब जो स्कल होती है, ठीक है, वो ए कैनेटिक स्कल होती है, ठीक है, ए कैनेटिक स्कल मौजूद होती है, ठीक है, जिसमें ये होता है कि इनका जो लोअर जबड़ा है, ठीक है, लोअर जा, ठीक है, लोअर जाज, वो किसके साथ कनेक्ट होती हैं? स्कल के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसके अगर हम टीथ की बात करें, टीथ की बात करें तो इसका जो टीथ होता है, ठीक है, वो मतलब अपर जो मतलब जा होता है, ठीक है, अपर जा, वहाँ 2 रोज़ ऑफ टीथ मौजूद होती हैं, ठीक है। अपर जा वहाँ क्या होता है? 2 रोज़ ऑफ टीथ पाई जाती हैं, ठीक है। और जो लोअर जा होता है, ठीक है, लोअर जा वहाँ सिंगल रो पाई जाती है, ठीक है, 1 रो मैं लिख रहा हूँ यहाँ। और इस तरह से जो है ना एक मतलब एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और उसका क्या काम होता है कि मतलब वो जब छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ना, वो उनको काटने के लिए, ठीक है, उनका गर्दन काटने के लिए क्या करते हैं, ये उनके काम आता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो ना ये क्या होती हैं? ओवी पैरस होती हैं, ओवी पैरस होती हैं। और अगर हम फीडिंग की बात करें तो ये मतलब जब सूरज, ठीक है, जब सूरज निकलता है, ठीक है, या फिर सूरज तलू होता है, तो ये क्या करते हैं कि अपने उस होल से बाहर निकल आते हैं और फीडिंग करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि जब सूरज ग़ुरूब हो रहा हो या फिर सूरज तलू हो रहा हो, तो ये अपने बिल से बाहर आ जाते हैं, अपने बरों से बाहर आ जाते हैं और क्या करते हैं? प्रे की फाइंड करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमने ये भी बात की कि इसकी जो स्पेशल करेक्टर है, ठीक है, टीथ की, कि अपर साइड पे 2 जॉज और लोअर साइड में अपर वाले जॉज में 2 रोज़ ऑफ टीथ है, और सिंगल जो लोअर जॉज है वहाँ क्या होता है? सिंगल रोज़ ऑफ टीथ होता है। इसका क्या काम होता है कि वो जो है ना उनके जो प्रे होते हैं, छोटे छोटे मतलब बर्ड्स, उनको उनके मतलब गर्दन को काटने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आर्डर स्फेनोडोंटिया, ठीक है, स्फेनोडोंटिया, ठीक है। तो उसके अलावा जो ना बाकी भी मतलब लेक्चर्स पढ़े हुए, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप विज़िट कर सकते हैं। और उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।